हेलो दोस्तों, आज हम उन लोगों के लिए बेहद अद्भुत वीडियोस लाए हैं जिन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। एक रोबोट जो इंसानों के पोर्ट्रेट बनाता है, एक एसिड से भरी हुई नदी, केकड़ों से भरा हुआ केकड़ा, इन सबको देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। क्या आप उन्हें देखना चाहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार बात कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई, पता नहीं क्यों, पर किसी ने वीनस फ्लाई ट्रैप नाम के इस मांसाहारी पौधे को, जी हां मांसाहारी पौधे को, एक बेहद तीखा एशियन फूड खिला दिया। इस पौधे को ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया और कुछ ही देर में इसका रंग काला पड़ गया। अगर आप किसी इटालियन किसान को पूछोगे कि कम तापमान पर अपनी फसल को कैसे बचाए, तो वो आपको कहेगा कि उसे फ्रीज कर दो। क्या कहा? इसका मतलब क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन काफी सिंपल है। इस तरह फसल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रहता है और उस पर इन बदलाव का असर नहीं होता, तो जब रात को टेम्परेचर कम हो जाए तब भी इसका फल और फूल पूरी तरह सुरक्षित रहता है। हमें लगता है ये पक्षी हमें कुछ कहना चाहता है। सीरियसली, ऐसे अजीब फॉर्मेशन के बीच जरूर कोई गहरी वजह होगी। पता चला है कि इस फिनोमिनन को मर्मरेशन कहते हैं और ये तब होता है जब पक्षी अपने शिकारियों को वार्निंग देना चाहता है। ये पक्षी एक बड़ा झुंड बनाकर एक कोऑर्डिनेटेड उड़ान भरते हैं और खुद को दुश्मनों से सुरक्षित रखते हैं। ये कैसे हो गया? क्या ये श्रेक का कोई काम है या जोकर का, या कोई हल्क तो नहीं है? इस नदी में जरूर कोई गड़बड़ है भाई साहब। लेकिन चिंता ना करें, ये सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। हर साल सेंट पैट्रिक्स डे पर शिकागो नदी के पानी को ऐसे ही कलर किया जाता है, साथ ही रंग बिल्कुल एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है। सिटी अथॉरिटीज कहते हैं कि ये पेंट पूरी तरह नेचुरल है और इससे मरीन लाइफ को कोई खतरा नहीं है। ये पक्षी सचमुच छिपने में माहिर है और इसी तरह अपना शिकार करते हैं। मिली अफ्रीका में पाए जाने वाले ब्लैक हेरॉन से ये पक्षी छोटी मछलियां, मेंढक और कीड़े खाते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए ये इस अजीब टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने पंखों को एक छाते की तरह फोल्ड करते हैं और मछलियां इस छांव की तरह खिंची चली आती हैं। अगर आपने अभी तक कुछ खाया नहीं है तो आपको थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। पहले आप ये देख लीजिए, नहीं ये किसी तरह का मॉन्स्टर केकड़ा नहीं है जिसने कई छोटे केकड़ों को खा लिया है। दरअसल ये एक माँ है जिसने अपने बच्चों को अपने पेट के हिस्से में छिपाया हुआ है। जाहिर है अगर बच्चे ऐसे शेल्टर में छिपे हों तो कोई भी मछली उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। कुछ लोग एक कुत्ता पालना चाहते हैं, कुछ एक बंगाल कैट, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सिल्क वॉर्म अच्छे पालतू लगते हैं। वैसे काफी क्यूट लग रहे हैं, नहीं? जरा इन टायर्स को गौर से देखो, क्या आपको इसमें कुछ अलग नजर आया? चलिए एक हिंट देते हैं, ये एक नए मटेरियल से बनाया गया है। शायद हमारे कुछ दर्शक समझ गए होंगे कि इस टायर पर एक फूल क्यों लगाया गया है। जी हाँ, कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने डेंडेलियन के फूलों से रबर निकालना सीख लिया है। फिलहाल ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है, लेकिन इसने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 सालों में ऐसे टायर्स का मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। बाय द वे, डेंडेलियंस के फूलों को निकालने के लिए ऐसे स्पेशल हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। चमगादड़ और टकीला में कौन सी चीज कॉमन है? हम बताते हैं, जानवर अगावे नाम के फूल को पॉलिनेट करने में मदद करते हैं। इस फूल को हमारी मशहूर मैक्सिकन ड्रिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाय द वे, क्या आपको पता था कि चमगादड़ की जीव उसके शरीर जितनी बड़ी होती है? क्या आपने कभी इस तरह की जोरदार बारिश देखी है दोस्तों? इस फिनोमिनन को माइक्रोबर्स्ट कहते हैं। ज्यादातर ये एक थंडरस्टॉर्म के दौरान देखी जाती है और कोई भी एयरक्राफ्ट ऐसी तेज बारिश का सामना नहीं कर सकता। खुशकिस्मती से ऐसी घटनाओं को पहले ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ समय पहले तक किसी को इनके बारे में पता तक नहीं था दोस्तों। भला इस आदमी को इतनी साफ बर्फ क्यों चाहिए? क्या ये अपनी पार्टी के लिए फ्रिज में आइस ट्रे रखना भूल गया था? Well, let's be serious. दरअसल इन बड़े बर्फ के ब्लॉक्स का इस्तेमाल आइस स्कल्पचर फेस्टिवल में किया जाता है। जी हाँ, एक बड़े बर्फ के टुकड़े को काटना और एक कन्वेयर बेल्ट पर डालना इतना आसान होता है, देख रहे हो? क्या आप गेस कर सकते हैं कि क्या है? दरअसल आप एक अनोखे फोल्डिंग ब्रिज को देख रहे हैं जिसे जर्मनी के शहर कायल में इंस्टॉल किया गया था। इस ब्रिज का इस्तेमाल केवल पैदल चलने वाले लोग और साइक्लिस्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को हर एक घंटे बाद थोड़ी देर के लिए फोल्ड किया जाता है ताकि उसके नीचे से शिप्स गुजर सके।
जिस किसी ने इंटरैक्टिव फ्लोर को बनाया है वो वाकई एक जीनियस होगा। जिन लोगों को वर्कआउट के बीच ब्रेक्स लेना पसंद है उनके लिए वॉल क्लाइंबिंग काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आप जितनी देर चाहो उतनी देर तक दीवार चढ़ सकते हैं। हमारे दर्शक दो हिस्से में बढ़ जाएंगे, एक हिस्सा वो जिन्हें कुछ नहीं पता और दूसरे वो जो हायाओ मियाज़ाकी के फैंस हैं। जाहिर है आप जो देख रहे हो वो उसी के एनिमेटेड मूवीज का कैरेक्टर है। ये कैटबस है जिसे माय नेबर टोटोरो में देखा गया था। वैसे यहाँ टोटोरो भी है, ये रहा वो इस बॉक्स के ढक्कन पर बैठा है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स देखना चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट आंधी या तूफान का सामना कर पाएगा या नहीं, लेकिन ऐसा मौजा उन्हें कहाँ मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल, वो खुद इसे बना सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने कुछ प्रोपेलर्स की मदद से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज दबाएं पैदा की, बिल्कुल किसी तूफान की तरह है। अमेरिकन आर्मी ने बिल्कुल नए नाइट विजन गॉगल्स बनाए हैं। ये गॉगल्स न केवल अंधेरे में देखने के काम आते हैं बल्कि ऑगमेंटेड रियलिटी भी सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये किसी व्यक्ति या उसके आसपास की चीजों को आउटलाइन करते हैं जिससे एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान सैनिकों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? जी हाँ, ये बना सकते हैं, बस ये थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन ये रोबोट लड़की अपने सामने बैठे लोगों को ऐसे क्यों देख रही है? पता चला है कि ये दुनिया की पहली एंड्रॉइड आर्टिस्ट है। ये आपका पोर्ट्रेट बना सकती है। ये पेंटिंग बनाने से पहले अपने कैमरा आई से आपको स्कैन करती है, एंड द रिजल्ट इज वेल इंटरेस्टिंग। आप सोच रहे होंगे कि ये किसी एस्ट्रोनॉट का सिम्युलेटर है, लेकिन ये एक सुनामी सर्वाइवल कैप्सूल है दोस्तों। वैसे इसके अंदर बैठे पैसेंजर की राइड काफी मुश्किल हो सकती है। इस मिनी बंकर की कीमत $15,000 है। इसके मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि इसमें आपके जरूरत का सारा सामान है जो आपको 40 दिनों तक जिंदा रखेगा। अगर 2012 में मयान की भविष्यवाणी सच हो जाती तो शायद दुनिया ऐसी नजर आती, लेकिन खुशकिस्मती से इस बिल्डिंग का उस भविष्यवाणी से कोई लेना देना नहीं। छह, ये एक साधारण फुटेज है जिसे रशिया के शहर नोरिल्स्क में लिया गया था। यहाँ कुछ पुरानी बिल्डिंग्स को एक्सप्लोसिव्स की मदद से गिराया जा रहा था। क्या आप शहर की भीड़ से अलग दिखना चाहते हो या फिर किसी पार्टी में कुछ नया करना चाहते हो, तो आप इस चीज को खरीद सकते हो। ये एक डिटैचेबल पूंछ है जिसे आपके स्मार्टफोन से कंट्रोल किया जा सकता है, या इसे ऐसे छोड़ दो, ये अपने आप भी काम करती है। Hey, आलसी बनना छोड़ दो, क्योंकि अब आपके दिमाग को सुपर चार्ज करने का टाइम आ चुका है। ब्रेन टाइम हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अतीत, वर्तमान और भविष्य की अभिभूत करने वाली घटनाएं, प्रकृति और जानवरों की दुनिया की जीवितता, चौंकाने वाले तथ्य और अनसुलझे रहस्य, आपको यहाँ इन सब के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इसका पछतावा नहीं होगा।